ये जो 11 तारीख से जो रैली निकली थी संगीता मोबाइल सेंटर के सामने, ये जो स्लोगन कहा कि अल्लाह की माता भारत माता, इसके खिलाफ तो हम हर एक भारतीय हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता की कोई माँ बाप नहीं रहते, ये हर पुराण में, वेदा में, हर ग्रंथ में है। और ऊपर से हम ब्रह्म पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे ACP को और यहाँ कमिश्नर साहब को हम दिए हुए हैं, और उन्होंने कहा है FIR के लिए, इंशाल्लाह FIR होगी। उससे पहले हम लोग रिसीव लिए हैं, केस बुक हुआ है, FIR के लिए हम यहाँ पे आए थे कमिश्नर ऑफिस को, उन्होंने कहा इंशाल्लाह कल या परसों में हो जाएगा। और अगली बात, ये जो पुलिस प्रकटन बोल के आया था बिफोर रैली 10 तारीख को, इसमें ये खुले अल्फाजों में ये लिखा गया है कि बैनाकुलर CC कैमरा और ड्रोन कैमरा नियोजिसलागिरुत्तदे किडिगेडि, यानी मतलब ऐसा वैसा काम करने वालों पर, ऐसे कुछ हरकतें करने वालों पर तोड़गिदवरिगे मुलाजिल्लदे गुंडा कायदे, यानी ऐसा एक कानून लेकर आएंगे हम, गुंडा कायदे ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಜರುಗಿಸದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ MN ನಾಗರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕಲಬುರಗಿಯವರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸಿ ಕೆ ಥ್ರೂ ಹಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಹಾ ಥಾ ಅಗರ್ ಉಸ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೇ ಐಸಿ ವೈಸಿ ಹರಕತ್ ಹುಯಿ ತೋ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹಮ್ ಡಾಲೆಂಗೆ, ತೋ ಯಹಿ ಮೇ ಪೂಛ್ ರಹಿ ಹೂಂ ಉಸ್ ಸಮಯ ಜೊ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬೋಲೆ कि अल्लाह की माता भारत माता या कुछ ऐसी चीज़ें बोले हुए हैं जो हमारे रिलीजन को हर्ट करता है, हम जो पूरे रिलीजन जो संविधान कहता है कि सारे रिलीजन को हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, और ऊपर से ये बात नहीं है कि तुमको गालें दिया हमको गालें दिया, ये मैटर वो नहीं है, ये अल्लाह की बात है, अल्लाह ताला की बात है, ये अल्लाह अज़्ज़ा वज़ल के शरीक हम किसी को नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इसको FIR हम बुक करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बात जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक BJP की जानिब से गालिबन एक रैली निकाली गई थी, जिस रैली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान मुबारक में जो है गुस्ताखाना जुमले ये बोले गए हैं। मैं इसमें एक बात वजाहत के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक़ से हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह की ज़ात माँ से पाक है और बाप से पाक है। उस रैली के अंदर जो है ये जुमले कहे गए कि अल्लाह की ताल्लुक़ से जो है अल्लाह की तरफ माँ की निस्बत जोड़ी गई, जिसके ताल्लुक़ से शहर में रज़ा एकेडमी ने जब यह सुना तो बड़े ही शिद्दत के साथ अपने ईमान का जो है वो सबूत देते हुए इसमें शामिल रही, और कल बड़े ही जो है वो सारे अहबाब जो है जमा होकर ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पर सर्कल और जो है असिस्टेंट कमिश्नर को भी वो लोगों ने बुलाया वहाँ पर। हमारा यही मुतालबा था कि इस पर जो है वो FIR किया जाए, लेकिन अफसोसनाक बात ये रही कि FIR उसको लेने से जो है पुलिस मना करती है। अब हमारा FIR कराने का मकसद ये है कि गुलबर्गा में अमन और सुकून, जिसका जो हमारा गुलबर्गा का जो हमेशा सुकून हमारा यह रहा है, अमन और सुकून हम यहाँ चाहते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि इस अमन सुकून को कायम रखने के लिए वो FIR दर्ज करें। इंशाल्लाह अभी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, अगर मामला कुछ ऐसा नहीं सुलझता है तो हम तो ये सोच के रखे रज़ा एकेडमी की जानिब से कि हम बाज़ाब्ता यहाँ आएंगे और यहाँ पर धरना देंगे, उस वक्त तक बैठे रहेंगे कि जब तक इसका FIR ना लिया जाए। मैं उस वक्त तक तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि अमन कायम रखें, और जो है किसी तरह का फितना फसाद झगड़ा होने ना दे। इंशाल्लाह हम बड़े ही अमन के साथ, सुकून के साथ अपना FIR दर्ज